A big Jai Hind to all my dear friends, viewers and subscribers. Well, tomorrow we are going to celebrate 73rd Republic Day of our country. So once again, Jai Hind to all of you. My dear friends, आज के इस YouTube क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि Republic Day में यूज होने वाले जो vocabularies हैं, जो words हैं, उन्हें कैसे यूज किया जाए, उन phrases को, और उनका इस्तेमाल करके हम अंग्रेजी में बात कैसे करें। वैसे मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ सबसे पहले, 1 फरवरी से हमारा फ्रेश ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश पेड क्लासेज स्टार्ट होने जा रहा है। आप यदि इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9958567745। कॉल कर लीजिए या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वैसे डिस्क्रिप्शन में भी आपको फी के बारे में अपडेशन मिल जाएगी, आप अपना नामांकन करवा के एडमिशन ले सकते हैं। Well, इस क्लास में हम बात करेंगे कि रिपब्लिक डे में जो वर्ड्स यूज होते हैं उन्हें हम स्पोकन में कैसे यूज करें या फ्रेज। लेकिन सबसे पहले, व्हाई डू वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे? वेल, रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड, ये पैसिव वॉइस है, मनाया जाता है एवरी ईयर ऑन जनवरी 26th, यानी 26 जनवरी को, और इस बार 73वां हम मनाने जा रहे हैं। आप यदि 2022 में देख रहे हैं तो 73वां, और 23 में देख रहे हैं तो 74वां, आगे आप काउंट कर लीजिए। टू कमेमोरेट, कमेमोरेट का मतलब होता है स्मरण करना, द एडॉप्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एडॉप्ट जो हम लोगों ने किया था भारत के संविधान को, उसको स्मरण करते हैं इस दिन हम, विच केम इन टू इफेक्ट ऑन दिस डे, जो इसी दिन ये प्रभाव में आया था और इसकी शुरुआत हुई थी 1950 में। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, 1947 में तो देश आजाद हुआ लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुई थी और हम उसी को स्मरण करते, कमेमोरेट याद कर लीजिएगा। लैंड इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, यानी इस देश का जो सुप्रीम लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड सिटीजन्स आर एक्सपेक्टेड, और इसके नागरिक से ये उम्मीद की जाती है टू अबाइड बाई इट, कि इस कानून को माने जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा गया है। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट आई एम गोना डू इज वेरी फास्ट वर्ड आई एम गोना टीच यू इज रिपब्लिक, क्योंकि हम रिपब्लिक डे ही मना रहे हैं। तो गणतंत्र यानी जहां गणतंत्र, जो तंत्र यानी सिस्टम, जो गण यानी कि पब्लिक के द्वारा चलाया जाए, उसी को हम कहते हैं रिपब्लिक, प्रजातंत्र या प्रजातंत्र राज्य आप किसको कहते हैं। अब जैसे कि इंडिया इज अ रिपब्लिक, यानी भारत एक प्रजातंत्र राज्य है। अब यहां पे अ रिपब्लिक मींस द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड एंड नॉट अ हेरिडेटरी मोनार्क। हेरिडेटरी मोनार्क का मतलब होता है जो वंशानुगत जो लोग आते हैं राज करते हैं वो नहीं होता। इसमें क्या होता है, पीपल के द्वारा इलेक्टेड एक हेड ऑफ स्टेट होता है। यहां स्टेट का मतलब आप देश भी समझ ले, राज्य भी होता है, देश और स्थिति भी होता है। तो यहां देखिए, इंडिया इज अ रिपब्लिक, ये एक प्रजातंत्र राज्य है। अ रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड एंड नॉट अ हेरिडेटरी मोनार्क, यानी वंशानुगत जो राजाओं का सिस्टम होता है वो नहीं होता है। रिपब्लिक डे का मतलब होता है गणतंत्र दिवस, वी सेलिब्रेट, इसको अगर हमें यूज करना होगा, वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर, प्रत्येक साल 26 जनवरी को हम क्या करते हैं, ये रिपब्लिक डे मनाते हैं। देखिए, सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना, कोई त्यौहार मनाना, ये भी तो एक त्यौहार ही है ना, दिस इज नेशनल फेस्टिवल, और मैं कहूंगा ये सारे फेस्टिवल से ऊपर होना चाहिए इस फेस्टिवल का दर्जा, ये मेरी पर्सनल राय है। पॉम्प एंड शो, एंड का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ये ऐसे होना चाहिए, पॉम्प एंड शो, धूमधाम के साथ। तो वी सेलिब्रेट सेंटेंस में बना रहा 26 जनवरी विद पॉम्प एंड शो, हम लोग इसे धूमधाम के साथ, हर्षोल्लास के साथ क्या करते हैं, मनाते हैं, कमेमोरेट, पहले ही आपने देखा कमेमोरेट, स्मरण करना। वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे टू कमेमोरेट दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन फ्रीडम स्ट्रगल। हालांकि ये हम 15 अगस्त को हम मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे के दिन, और इस दिन हम जो संविधान लागू हुआ था उसको स्मरण करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम संविधान की बात करते हैं उसके लागू होने की, तो उसके पहले जो देश में जो बलिदान दी गई है, चाहे महापुरुषों के द्वारा हो या हमारे जितने भी भाई बहन हैं वो किसी भी जात और धर्म से हैं, सबका खून बहा है। ये बात अलग है कि हम कुछ गिने चुने लोगों के नाम ही सिर्फ जान पाते हैं,
तो कमेमोरेट का मतलब स्मरण करना, संविधान हम तभी याद करते जब उन महापुरुषों की जिन्होंने अपने खून की, अपनी जान की आहुति दी, बलिदानी दी, राइट, कमेमोरेट आप जान गए। द नेक्स्ट इज मोनार्की, राजतंत्र, मोनार्की का मतलब होता है राजतंत्र। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन चेंज्ड, यानी फ्रांस का जो रिवॉल्यूशन था उसने बदल दिया फ्रांस फ्रॉम अ मोनार्की, यानी जो राजाओं का शासन था, राजतंत्र, टू अ रिपब्लिक। किसमें वो बदल दिया? रिपब्लिक में बदल दिया। अब एक और मिलता जुलता वर्ड है रिपब्लिक से, डेमोक्रेसी का मतलब प्रजातंत्र, आप इसे सिनोनिम्स भी कह सकते हैं। या प्रजातंत्र में क्या होता है, सरकार बनने के बाद जो रूल होता है जनता के साथ, जनता के फेवर में, ना किसी एक के फेवर में, दैट इज डेमोक्रेसी। मे बी मैंने बहुत अच्छे से आपको इसको एक्सप्लेन नहीं किया, नेक्स्ट वीडियो आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट, आई होप यू अंडरस्टैंड। डेमोक्रेसी वॉज अ मिस्टेक, क्या डेमोक्रेसी एक मिस्टेक थी? हो सकता है मैं फन कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है, वही चीज़ें हो रही है पहले की तरह, वो राज्य है जो पहले के राजाओं के समय में हुआ करता था। ये मेरी कोई ओपिनियन नहीं, मैं जस्ट सिर्फ आपको बता रहा हूँ। इसमें मुझे वैसे डेमोक्रेसी, आई लाइक डेमोक्रेसी, आई लव डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतांत्रिक देश, डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया, आई मीन भारत इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। संविधान की बात हो रही है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, ये दो ऑफिशियल नेम्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान, जो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है हमारे देश का। इंडिया हैज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश के पास सबसे प्री रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें 448 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया की सबसे बड़ी जो लिखित संविधान है वो भारत की है। कम इन टू फोर्स यानी लागू होना, इम्प्लीमेंट या अप्लाई भी आप यूज कर सकते हैं। इंडिया, इंडियन, ये होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स, पास्ट की बात है ना बाबू, तो केम इन टू फोर्स ऑन 16 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी को 1950 में ये लागू हुआ था, केम इन टू फोर्स, पास्ट की बात है। प्रेजेंट तो कम्स इन टू फोर्स, पास्ट में केम इन टू फोर्स। अगला है मॉजुलम, मॉजो, मॉजुलम, मॉजुलम समाधि या कब्र जिसको आप बोलते हैं। पे होमेज या फिर ट्रिब्यूट, इसका मतलब श्रद्धांजलि देना। पे होमेज, गिव होमेज नहीं होगा, पे का मतलब देना भी होता है, भुगतान करना भी होता है, पे होमेज या फिर पे ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि देना। तो इसको हम सेंटेंस में बनाएंगे, द प्रेसिडेंट एंड द पीएम पे होमेज टू महात्मा गांधी ऑन रिपब्लिक डे के दिन, ये लोग क्या करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, या पे होमेज टू महात्मा गांधीज मॉजलम, यानी उनकी समाधि को ये लोग क्या देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, राइट। अगला है सैल्यूट, प्रमाण, प्रणाम करना या सलाम करना, आप ये सबसे फेमस है जो लोग बात करते हैं, 21 गन सैल्यूट यानी 21 बंदूकों की सलामी, या 21 कैनन, CANON होगा बाबू, कैनन सैल्यूट यानी 21 तोपों की सलामी, 21 तोपों की सलामी, राइट। इसको हम ऐसे मनाएंगे कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पहले गांधी जी की समाधि पर जाते हैं, होमेज, पे होमेज, फिर कम, यू नो, कम बैक एंड दे गिव, आई मीन the army chief from defense, they give 21 cannon salute to the nation, right। इस तरीके से हम sentence बना के क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। flag का मतलब होता है झंडा, host का मतलब होता है फहराना, तो flag hoisting का मतलब होता है, hoisting का मतलब ध्वज आरोहण, तो we host the flag, और the prime minister, the president host the flag, राष्ट्रपति क्या करते हैं, झंडा फहराते हैं। recite का मतलब गाना या फिर सुनाना। अब राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम को वी रिसाइट द नेशनल एंथम, तो यहाँ पाठ सुनाना भी होता है क्लास का, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, इस सिंग नहीं होगा, नेशनल एंथम को हम सिंग नहीं करते हैं, रिसाइट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कॉलोनियल एरा या फिर ब्रिटिश एरा, औपनिवेशक या फिर अंग्रेजों का जो युग था उसको हम कॉलोनियल एरा कहते हैं, या फिर ब्रिटिश एरा। अगला है टैबल्यू, टैबल्यू या फिर ग्लिम मीन झांकी, और टैबल्यूज या फिर ग्लिम्सेस का मतलब झांकियां जो होती है। हिस्ट्री इज नथिंग मोर देन अ टैबल्यू ऑफ क्राइम्स एंड मिसफॉर्च्यून्स। ट्रूप का मतलब फौज या फिर सैन्य दल होता है। मॉव या फिर क्राउड का मतलब टोली या भीड़, और फोक डांस का मतलब होता है नृत्य।
कुछ लास्ट में जो है एक्स्ट्रा वर्ड्स मैं आपको दे देता हूँ, चूंकि हम देश की बात कर रहे हैं तो देशभक्त का जिक्र होना जरूरी है। पेट्रॉट, पेट्रियॉट का मतलब होता है देशभक्त। जैसे हम बोलेंगे यू आर अ पेट्रियॉट, आई एम अ पेट्रियॉट, हम लोग देशभक्त हैं। बट वी डू नॉट नो हु इज ट्रेटर, लेकिन हम ये नहीं जानते देशद्रोही कौन है। टी आर ए आई टी ओ आर, ट्रेटर, ट्रेटर, टी आर ए आई टी ओ आर, ट्रेटर। मार्टर मीन्स शहीद, मार्टर मीन्स शहीद, मार्टर मीन्स शहीद। द सोल्जर बिकेम अ मार्टर, जो सैनिक थे वो शहीद हो गए। वेन ही थ्रू हिमसेल्फ ऑन द लाइव, यू नो, लाइव ग्रेनेड, यानी जिंदा जो ग्रेनेड था, जो असला बारूद जमीन के अंदर होता है, टू सेव हिज स्क्वाड, अपने सैन्य दल को बचाने के लिए उस पर छलांग लगा दी और मार्टर बन गया। द सोल्जर बिकेम अ मार्टर। माई डियर फ्रेंड्स, I hope you learned all these words and phrases used especially for Republic Day of our country. Once again in the last, a big Jai Hind to all of you. Stay happy and be the best. And if you like this video, please write in the comment section which one is your favorite word or phrase. Thank you very much for watching. Stay happy and be the best.